अच्छे पढ़ती हूँ भाई, अपने फैंस के पढ़ती हूँ। तो पढ़गी तो पता लगता है कि अच्छा है बुरा कमेंट है। मेरा नाम तस्खीर है और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ मीम्स मेड विद हेल्प ऑफ फ्राइंग पैन। ट्रेंडिंग पाकिस्तानी मीम्स हम देखने वाले हैं। फ्राइंग पैन का क्या वो है सीन, फ्राइंग पैन पकड़ी हुई है इस वीडियो उसके अंदर पिक्चर के अंदर मरियम नवाज़ और एक जो वायरल लड़का है वो भी है इसके अंदर, शेख रशीद माथीरा। देखते हैं इसके अंदर कैसे कैसे किस टाइप की लेटेस्ट मीम्स हैं पाकिस्तान के। सो चलो देखते हैं। कॉमेंट्स पढ़ती हैं आप सबके? नहीं पढ़ती मैं कॉमेंट्स। मेरी सबसे अच्छी आदत है। अच्छे कमेंट्स पढ़ती हूँ, अच्छे पढ़ती हूँ भाई, अपने फैंस के पढ़ती हूँ। तो पढ़गी तो पता लगता है कि अच्छा है बुरा कमेंट है। तगड़ा था ये। मतलब आप कमेंट पढ़ती हैं? अच्छे पढ़ती हूँ, जो बुरे होते मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। पढ़ने के बाद आंखें बंद कर लेती हूँ। कोटलापा जेल की मैं बात करी, मेरे कपड़े कैसे हम इस्त्री करते थे, वो जो फ्राइंग पैन था जेल में। एक चूल्हा था मेरे पास, उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गरम करके तो मैं अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी। एक बार सब स्टैंडिंग ओवेशन। थैंक यू गाइस। अब चोर सच में ऐसा हुआ था क्या? बेशक कायद आजम खुद अपने मफाद के लिए हम लोगों को यहाँ ठोक गया लाके। पैसा है न मुल्क छोड़ने का। आपको कभी प्यार हुआ था? हाँ प्यार हुआ है मेरे को, लेकिन नशे से ही हुआ है प्यार। नशे से हुआ है जी? किसी लड़की वड़की से नहीं हुआ प्यार? नहीं नहीं, गंदी चीजों पे तवज्जो नहीं देते। बहुत तगड़ा था यार, गंदी चीजों तगड़ी बेइज्जती। जस्ट वेट वॉन्ट टू मेक यू स्माइल। यार इस बंदे की स्माइल बहुत फेमस हो रही है आजकल। पनीर सो हॉट है, आई टेक योर हैंड होल्ड इट गोज टू माय पेरेंट्स टर्न ऑल वाई वाई लव इज देयर नाउ इज चेंज ऑफ माय बाय। बहुत रिलेटेबल है ये। आई हैव टू स्टे यू। मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन होता है ऐसा। ये वो मीम मीम वाला बंदा है। घर पर पानी पीने आया था, मेरे बाप पे जाने नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुद से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहते हैं पार्टी तैयारी करे, जेल भरो तहरीक लाहौर से शुरू होगी, फिर मुल्क के बड़े शहरों में तहरीक चले। आज रिहाई पर इमरान खान ने जिंदगी में शायद पहली दफा किसी को सिगार का डब्बा दिया। रिहाई पे सिगार के डब्बा। मैंने उनसे कहा कि जी जो कुछ आप लोग करने चले हैं ना, तो सलीम साफी क्या और जियो क्या, अगर पूरी पाकिस्तानी मीडिया भी रुकावट बनना चाहे तो आप इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोका जा सकता। Beggars can't be choosers. What do you see? What I see. Acha. Beggars. कि मेरी वाइफ को उर्दू नहीं आती। okay. अगर मैं उसको बोल दूं कि चार्जर लगा दो मोबाइल, वो पूरी रात चार्जर लगा रहेगा लेकिन उसका बटन ऑन नहीं करेगी। तो रोटी बना रही है तो रोटी का एक कान इधर जा रहा है इधर जा रहा है। मैं तो कोशिश तो कर रही है, अभी डेढ़ साल से कोशिश ही कर रही है। हमसे शादी की तो बेचारी कोशिश ही करेगी ना, और क्या करेगी। मतीरा का जवाब। लड़ाई हुई है तुम्हारी उसमें
एक बहुत ठीक ठाक वाली लड़ाई। अभी भी मार के आया हूँ। Oh my God, क्या? This is totally not a joke. मुझे सख्त नफरत होते हैं उन बंदों पर जो बोलते हैं मार कर। आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठ के भी बकवास बोल रहे हो। अरे भाई ठंड कर दी। बोलती बोल। सवाल है कि अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैं क्या करूंगी? मैं गुर्बत खत्म करूंगी, इकॉनमी को थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगी, डॉलर थोड़ा सा नीचे सस्ता करूंगी। आप खान बनना चाह रही हैं आप? जी हाँ, क्यों नहीं, लड़ाई हो जाएगी इमरान खान से बात हुई तो। खान साहब की कोई बात? आखिर में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये लाहौर वाले जो हैं ये मेरे दिल में हैं, और ये जो मुल्तान वाले हैं ये मेरे जहन में हैं। बाकी टीम्स किधर हैं? अदर टीम्स। और मैं अपनी मम्मी की मर्जी से कभी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने पापा को रोज देखती हूँ यार। क्या घटिया चॉइस है मेरी मम्मी की, बहुत वही यार, जैसे कानों पे बाल वाल हो, बहुत ज्यादा गंदगी है। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना निन्दिया की रातें हैं। अरे तू ही मेरे दिल की रज़ाई, मेरे बिना तेरी खता। तो यार मरियम नवाज कुछ स्टोरी बता रही थी यार, इसके अंदर मुझे समझ में नहीं आया यार, वो कभी जेल ऐसे गई हैं कि फ्राइंग पैन को लेकर मैं चूल्हा जलाकर गर्म करती थी, उससे प्रेस किया करती थी, मतलब जेल में ऐसा होता है? जेल की बात कर रही थी ना ये, लेकिन जेल में यार प्रेस वाले कपड़े कौन पहनता है, इतना ध्यान कौन देता है यार, ये भी अजीब बात है फ्राइंग पैन लेकर। इसके बारे में मुझे कन्फर्म करके ज़रूर बताना, जेल गई थी तो क्या कुछ ऐसा सीन था, उन्होंने ऐसी कुछ बताया है अभी। और बात करते हैं उस लड़के की जो आजकल बहुत फेमस चल रहा है, कुछ पठानों में से कुछ लड़का है शहजाद नाम का, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा स्माइल फेमस चल रही है आजकल। बाकी मीम्स बढ़िया थे, मथीरिया के इसके अंदर जो सीन था वो बढ़िया लगा मुझे, मुँह पर ही बोलती बंद कर दी। एंड यस, वो जो बंदा जो बोल रहा था अभी मार के आया हूँ, तो ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मजाक किया था उसने, सोचा होगा कि शो में थोड़ा सा तड़का लग जाएगा, लेकिन तड़का उसके गाल पे लग गया मदीरा की तरफ से। खैर ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए, मजाक में ही सही, मारा हो या ना मारा हो, लेकिन मजाक में ही सही यार, बेइज्जती तो बेइज्जती है ना, वो तो बेइज्जती फील लग रहा था, मतलब ये गलत लग रहा था, कुछ और मजाक कर सकते हो अपनी बीवी को लेकर, लेकिन ये वाला गंदा था। बाकी ओवरऑल मीम्स एंटरटेनिंग थे। शहबाज शरीफ वाला जो था जब वो शायद वो रशियन के साथ थे ना, रशिया में गए हुए थे, तो वो माइक के ऊपर दोनों लोग थे कि कौन बोलेगा कौन बोलेगा, वो आगे जाते हैं। उस पर मुझे सच में बहुत हंसी आई यार, और वो जैसे ही माइक पर जाते हैं तो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। बहुत सही जगह वो जुमला लगाया गया है भाई, मज़ा आ गया उसको देखकर। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा मीम आपको ज़्यादा अच्छा लगा, और सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।